हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक नोटिस आया था इग्नू की तरफ से, दैट वाज डेटेड 31 मार्च 2022। तो इस नोटिस में कुछ ऐसी न्यूज़ थी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको जून 2022 एग्जाम में अपियर होना था, उनके जो है उनको उन कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एग्जाम से। तो काफी यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो डाली, लेकिन उसमें ठीक से जो है इसको इंटरप्रेट नहीं किया गया इंफॉर्मेशन को जो इसमें डिस्प्ले की गई थी। और काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ गलत इसके बारे में अवधारणा है कि सबके ही जो एग्जाम है जिनको जून में एग्जाम ही नहीं होंगे कि जून के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नोटिस को पहले ध्यान से पढ़े, तभी जो है मेरी सभी यूट्यूबर से, जो भी भाई बहन जो भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप ना दीजिए। पहले आप जो है उसको खुद ध्यान से पढ़े और तो ही स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं वो अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं कि नोटिस में एक्चुअली था क्या। तो ये सभी उन स्टूडेंट्स को समर्पित है ये वीडियो जो किसी भी सेशन के स्टूडेंट्स थे और जो अभी जून में होने वाले एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी जो है गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। तो देखिए, ये था एग्जेम्पशन फ्रॉम अपियरिंग इन टर्म एंड एग्जाम ऑफ द फर्स्ट ईयर कोर्सेज ऑफ बैचलर एंड मास्टर डिग्री। तो जून 2021 इन कन्फर्मिटी ऑफ यूजीसी ऑर्डर डेटेड जुलाई 1621। तो देखिए इसमें क्या था कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशंस डेटेड दीज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अबव, इट इज फर्दर नोटिफाइड दैट स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग बैचलर एंड मास्टर डिग्री हु वर एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर, देखिए ध्यान से, जिन्होंने ऑनलाइन मोड से जो है एडमिशन लिया था, ऑनलाइन मोड में जुलाई 2020 में उन्होंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, और उनके एग्जाम जो थे वो कब होने थे, जुलाई यानी कि जून 2021 में, क्योंकि एक ईयर उनका पूरा हो जाना था, तो उनके एग्जाम जो होने थे वो जून 21 में होने थे। लेकिन उनको क्या है कि उनको बोला गया था कि आपके एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गई हैं, अब उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि इनको जो है मार्क्स या ग्रेड्स इन द टर्म एंड एग्जाम ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी असाइंड बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स या ग्रेड्स ऑब्टेन्ड इन सेकेंड ईयर, जो भी इनके सेकेंड ईयर में एग्जाम आएंगे। देखिए रीजन क्या रहा है एक्चुअली कि उन्होंने लिया था जून 2020 में एडमिशन या जुलाई 2020 में, तो उसके हिसाब से जून 21 में उनका एक साल पूरा हो गया था और उस समय एग्जाम नहीं हुए थे कोविड की वजह से, तो जून 21 के जो एग्जाम थे वो पोस्टपोन हो गए थे, तो उस हिसाब से जो है ये जून 22 में एग्जाम होने थे। लेकिन देखिए उन्होंने 21 में उनका एक साल कंप्लीट होना था जो कि हुए नहीं एग्जाम, तो उनका सेकेंड ईयर भी स्टार्ट हो गया, तो दो ईयर के एग्जाम वो जून 2022 में नहीं दे सकते, तो इसलिए उनको एग्जेम्पशन मिली है कि वो अपने सेकेंड ईयर के जो है एग्जाम दें जून में, फर्स्ट ईयर के ना दें। जून जो भी उनकी सेकेंड ईयर के का स्कोर होगा उसी की एवरेज से, जैसे कि पहले भी यूनिवर्सिटी ने किया है, जब भी एग्जेम्पशन मिली है तो उनको क्या होगा कि जो उनके सेकेंड ईयर के मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से एवरेज निकाल के उनके फर्स्ट ईयर का स्कोर जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। अगर फिर भी देखिए इसमें कुछ और भी है, नीचे पूरा नोटिस को पढ़िएगा, ऑनलाइन प्रोग्राम भी आपको दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो है प्रोग्राम है, इलिजिबिलिटी बैच कौन कौन सा है जिसने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था, वो वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में जिन्होंने लिया था, सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, सेकेंड ईयर उनका अब होगा उसके तो एग्जाम उनको देने ही है। द एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी अदर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सब आपके इंटर्नशिप वगैरह ये सब कुछ होगा, इनसे एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, सिर्फ थ्योरी एग्जाम से किया है। एंड द स्टूडेंट्स हु डोंट वांट द एग्जेम्पशन, उनको लगता है कि वो अच्छा स्कोर कर सकते थे, उन्होंने पढ़ाई की थी, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट ईयर की जो है एग्जाम सेकेंड ईयर के साथ ही जो है दे सकते हैं।
जून में, मतलब कि आपकी चॉइस है, आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं। अभी जो आगे आपसे ये ऑप्शन भी पूछ लिया जाएगा, जब भी अभी आप जून एग्जाम के लिए फॉर्म निकलेंगे तो उसमें भी क्या आप एग्जेम्पशन चाहते हैं या नहीं। तो ये स्टूडेंट्स होप सो कि क्लियर हो गया होगा कि किसी के भी एग्जाम जो है वो जिन्होंने 21 में एडमिशन लिया था उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे, जिन्होंने 20 में लिया था उनके इस टाइम सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे जून में, तो उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सिर्फ 20 के जिनके फर्स्ट ईयर के रहते थे उनको एग्जेम्पशन है, और उनकी भी चॉइस है। एग्जेम्पशन इस तरीके से है कि उनकी भी चॉइस है, अगर वो चाहें अपना अच्छा स्कोर करना और ऐसे वो पास आउट नहीं होना चाहते तो आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो यही कुछ था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो और पार्शियल एग्जेम्पशन एडमिसेबल नहीं होगी, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है आप ध्यान दें कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर के एक दो सब्जेक्ट जो है आप चाहें कि आप मैं इनमें अपियर हो जाऊं, बाकी जो है एग्जेम्पशन ले लूं, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको आप सारे ही पेपर नहीं देंगे या फिर सारे ही देंगे, सभी सब्जेक्ट्स में आपको अपियर होना ही पड़ेगा, तो पार्शियल एग्जेम्पशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो उम्मीद है कि आपका कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग नहीं बचा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और प्लीज प्लीज इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इस डाउट में हैं, उनका साल वेस्ट नहीं होना चाहिए, उन तक सही इंफॉर्मेशन जो है हर स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। तो इस वीडियो को सारे ग्रुप्स में, सारे सोशल मीडिया पर, जहां भी आप अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड हैं, सभी के साथ ही शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।